हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के चार तरीकों की बात करने वाले हैं, जिसके जरिए लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट से ग्रो करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग और लास्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इन चारों की बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इन चार तरीकों में से मैं कौन से तरीकों को यूज करता हूँ अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इन सभी टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे किस में कितना रिस्क है और अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्की और शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपने कई बार सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट या पीएनएल देखे होंगे। मैं फेक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियल में छोटी अमाउंट से बड़ा पैसा बनाते हैं तो 99% चांस है वे ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और रिस्की ऑप्शन होता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आप 10,000 से ट्रेड करते हो और वो अमाउंट कुछ ही घंटों में 80,000, 90,000, 1,00,000 हो जाता है। अब ये सुनकर ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे ऐसा सोचने से पहले ये भी जान लो, इसमें कुछ ही घंटों में आपके 10,000 रुपए जीरो भी हो सकते हैं। इसमें आप एक छोटी से अमाउंट 10,000 से भी लखपति बन सकते हो और करोड़पति भी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, मार्केट तो मुश्किल से 5 से 10% ही ऊपर या नीचे एक दिन में जाता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 के 1,00,000 कैसे बन जाते हैं और जीरो कैसे हो जाते हैं। तो अब हम इसके बेसिक्स को समझेंगे। हालांकि शेयर मार्केट में हमारे पास 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं जिनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम 182 स्टॉक्स का ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्सेस में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड अदर इंडेक्सेस, लेकिन ज्यादातर लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक्चुअल में कोई स्टॉक बाई या सेल नहीं करते हो, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। इसको अगर हम एक एग्जांपल के जरिए समझे, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का शेयर प्राइस अभी 20 रुपए है और आप अपने दोस्त को कहते हो ये 40 तक जाएगा, जबकि आपके दोस्त को लगता है ये यहाँ से गिरेगा और 5 रुपए हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर शर्त लगाते हो अपने दोस्त के साथ, अगर स्टॉक का प्राइस 1 रुपए ऊपर जाता है तो आपका दोस्त आपको 100 रुपए देगा, अगर 2 रुपए ऊपर जाता है तो आपका दोस्त आपको 200 रुपए देगा, यानी हर 1 रुपए बढ़ने पर आपका दोस्त उस पर आपको 100 रुपए देगा। अगर स्टॉक का प्राइस 10 रुपए ऊपर जाता है तो आपका दोस्त आपको 1,000 रुपए देगा, और इसके उलट अगर शेयर का प्राइस 1 रुपए नीचे जाता है तो आप अपने दोस्त को 100 रुपए दोगे, 2 रुपए नीचे जाता है तो 200 रुपए दोगे, और अगर 10 रुपए नीचे जाता है तो 1,000 रुपए दोगे। इस प्रकार से आप दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको और आपके दोस्त को शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाने से प्रॉफिट या लॉस होगा। इस एग्जांपल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपका रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि कोई भी कंपनी का स्टॉक जीरो से नीचे नहीं जा सकता, यानी आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो है 2,000 रुपए, जबकि स्टॉक का प्राइस 20 रुपए से 40, 50, 100, 200, 2,000 कितना भी जा सकता है, तो आपके दोस्त का रिस्क है अनलिमिटेड और प्रॉफिट लिमिटेड, जो कि है 2,000 रुपए। आपका रिस्क लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। महीने की एक फिक्स डेट तक प्राइस कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे जाएगा, और जिसकी भी प्रिडिक्शन सही साबित होती है वो यहाँ से पैसे कमाता है, और जिसकी गलत उसको होता है लॉस। अपने एग्जांपल पर वापस आएं तो इसमें आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट तब होगा जब शेयर का प्राइस 20 रुपए से ऊपर जाएगा, और आपका दोस्त ऑप्शन सेलर है, क्योंकि उसको प्रॉफिट तब होगा जब शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो बायर को बेनिफिट होगा, और पुट ऑप्शन में अगर प्राइस नीचे जाएगा तो सेलर को बेनिफिट होगा। इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की होता है और यहाँ से प्रॉफिट कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग आपको कहेंगे नॉलेज, साइकोलॉजी, अलाना ढिमकाना, ये चीजें काम करती हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहें, एटलीस्ट अगले 3 साल तक। मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और ना ही किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि 97% लोग यहाँ केवल अपना पैसा गंवाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है इंट्राडे ट्रेडिंग।
इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपेयर में कम रिस्क होता है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा रिस्क होता है। और इसमें आप एक्चुअल में स्टॉक को बाय करते हो, लेकिन जिस स्टॉक को आप बाय करते हो आपको उसी दिन में उसे सेल भी करना होता है। इसमें रिस्क ज्यादा होने के पीछे का रीजन है मार्जिन। जनरली सभी ब्रोकर्स आपको 5x का लेवरेज देती हैं, जिसका मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए के स्टॉक्स बाय कर सकते हो, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है ब्रोकर से और उसके बदले में आपसे एक छोटी सी फीस ली जाती है। इसमें आपका बेनिफिट ये है, अगर आपने 10,000 से ट्रेड किया होता और आपका शेयर 5% से बड़ा होता आपको केवल 500 रुपए का बेनिफिट होता, लेकिन मार्जिन लेने से अब आपने 10,000 रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस पर आपका प्रॉफिट होगा 2,500 रुपए। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, अगर आपको 500 रुपए का लॉस होना था तो मार्जिन लेने से वो लॉस हो जाएगा 2,500 रुपए का। टैक्सेस प्लस ब्रोकरेज अलग। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे से बड़ा लॉस होता है आपके टाइम का, क्योंकि आपको सुबह से शाम तक लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के आगे बैठना होता है। अगर अभी आप अपने 20s में हो तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं खुद भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूं, कभी कभी मजे के लिए अलग बात है, आप सीख सकते हो, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए अपनी फील्ड पर, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो वहाँ से ज्यादा पैसे कमाने पर। लेकिन अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, इन दोनों में से कोई ना कोई काम करना ही होगा, तभी आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं लेस रिस्की ऑप्शन की, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ये प्रोसेस में आप अपने स्टॉक्स को जब तक चाहो होल्ड कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये टाइम पीरियड होता है 15 से 30 दिन, कभी कभी 60 दिन, और कुछ लोग 6 महीने या 1 साल की होल्डिंग को भी स्विंग ट्रेडिंग ही कहते हैं, जिसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। इसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न दोनों का यूज करते हो। फंडामेंटल एनालिसिस से आप अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करते हो जिनमें आपको ट्रेड करना होता है, लेकिन एंट्री और एग्जिट के लिए आप यूज करते हो चार्ट पैटर्न का। अगर आपको इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है तो इस पर कंप्लीट ट्यूटोरियल हम पहले ही बना चुके हैं, जिस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपेयर में बहुत कम होता है, पर प्रॉफिट भी यहाँ पर लिमिटेड होता है। और क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली बेसिस पर बाय या सेल नहीं करना होता तो यहाँ पर आपका काफी सारा टाइम भी बच जाता है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो कि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे बाय एंड नेवर सेल। मुझे ये एडवाइस पर्सनली बकवास लगती है, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा अपने सेगमेंट की किंग नहीं रहती। और इसके अलावा आप पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो प्रॉफिट बनाने के लिए? अगर आप सेल ही नहीं करोगे तो कौन सा प्रॉफिट? 40 में खरीदा गया स्टॉक 200 भी जा सकता है, और 200 जाने के बाद अगर आप उस टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद वही स्टॉक 30 रुपए पर भी आ सकता है, और ऐसा पास्ट में हमने कई बार देखा भी है। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो उसे 1 से 2 साल या 3 साल बाद जब भी वो स्टॉक डबल होता है तो आपने जितना भी अमाउंट खुद से लगाया था उतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल बाद उन स्टॉक्स का प्राइस हो जाता है 1,00,000 रुपए, तो आप यहाँ पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट जो आपको हुआ है उसे निकाल सकते हो, और जो 50,000 रुपए है उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने दे सकते हो, जो कि आगे चलकर एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। ज्यादातर लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बोरिंग ऑप्शन लगता है, पर लास्ट जब किसी भी ऑप्शन से इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाते, इवन लाखों का नुकसान कर देते हैं, तब वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो यहाँ आप 2,000-5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एक मिनिमम अमाउंट 50,000 से स्टार्ट करना होगा, ताकि आप दिन का 5 से 6,000 रुपए प्रॉफिट बना सको, जिससे आपका आगे के लिए मोटिवेशन बना रहे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1,00,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आप 1-2 वीक में अपने स्टॉक्स को सेल करते हो, और अगर 1-2 वीक के लिए आप होल्ड कर रहे हो तो आपको 10 से 12,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप उसे आगे सस्टेन कर पाओगे। जबकि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी अमाउंट 2,000-5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो,
और धीरे धीरे मंथली उसमें अपना पैसा ऐड करके अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का यूज ज्यादातर लोग अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए करते हैं। कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, पर स्टॉक मार्केट में जिन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया है, फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राकेश दमानी, ये स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते थे, लेकिन जब इन्हें वहां से प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन्होंने बाद में ऑप्शन चूज किया इन्वेस्टिंग का। इसमें आपका कम एफर्ट लगता है, आप ज्यादा फोकस कर सकते हो पैसा कमाने पर, और उस पैसे को ग्रो करने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपने 20s या 30s में हो तो मैं कहूँगा आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए अपने वेल्थ को एक्युमुलेट करने पर, यानी कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो और उस कमाए गए पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे वो पैसा खुद भी ग्रो होता रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं बना सकते, लेकिन आपके 20s और 30s का टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है और ये दोनों चीजों में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए एक रूल भी है 90-90-90, यानी 90% ट्रेडर्स फर्स्ट 90 डेज में अपना 90% कैपिटल लूज कर जाते हैं, जो कि रिसेंटली हमें सेबी के डेटा में भी देखने को मिला। 89% ट्रेडर लॉस में होते हैं और जिसमें से सबसे ज्यादा लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडर्स का। इसके अलावा अगर आपको पैसे के बारे में और सीखना है और जानना चाहते हो किस प्रकार से आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।